नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फरुखाबाद जिले के अमृतपुर थाना क्षेत्र में तहसील दिवस पर मंगलवार को डीएम मोनिका रानी, एसपी संतोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें डीएम ने जनता की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस में कुल 150 शिकायतें आई, जिसमें मौके पर 10 का निस्तारण हुआ। तहसील दिवस के दौरान ज्ञापन देने के लिए आए सर्वोदय मंडल के नेताओं को रोकने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया और धरना भी देने का प्रयास किया, लेकिन बाद में एसडीएम आदि ने समझाकर उन्हें भीतर भेजा। इस दौरान अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितताएं देखकर डीएम मोनिका रानी अधिकारियों पर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत निस्तारण होने से रह गई है, उनका एक सप्ताह के भीतर निस्तारण किया जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाने के लिए सभी अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम लक्ष्मण सिंह, एडवोकेट। आपने किस लिए क्या प्रार्थना पत्र दिया है? ये प्रार्थना पत्र नहीं है, ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में 17 मांगे किसानों से संबंधित हैं। जिला प्रशासन ने अगर इन मांगों को नहीं सुना तो 11 तारीख से इसी तहसील में मैं बीवी बच्चों के यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे। फिर भी नहीं सुनोगे तो बनाना भी बंद कर देंगे और तहसील के गेट में डालेंगे 11 तारीख के बाद ताला, क्योंकि ये अफसर कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश शासन के निर्देश पर रोज इनकी मीटिंग से जिला मुख्यालय पर होती है। किसान पीड़ित यहाँ से चला जाता है, कई मुकदमों की फाइल गायब है, आवारा पशु किसानों की फसलें खाए जा रहे हैं। अर्चिंगपुर का पूरा गांव कट चुका है, न मुआवजा दिया गया न तटबंध बनाए गए। मुख्य मांगे आपकी कौन कौन? मुख्य मांगे अर्चिंगपुर कायस में तटबंध बनाए जाए, आवारा पशुओं को पकड़ के चाहे लखनऊ योगी जी के पास भेजा जाए, उन्हें बहुत नंदी प्यारे हैं, गाय प्यारी हैं, किसान नहीं प्यारे हैं। और किसान प्यारे नहीं इसीलिए एमपी और राजस्थान में दुर्दशा भाजपा की हुई, उत्तर प्रदेश में भी होगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि बंदरों को अभी पकड़ के इनकी व्यवस्था की जाए, रोज फसल नष्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।